हाय गाइस, दिस इज वाणी शर्मा आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल और आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। आज हम बनाएंगे फ्रूट बास्केट, जिसके लिए हमने ड्राइंग शीट ली है, स्केल, इरेजर और शेडिंग पेंसिल, जिसमें 4B, 8B और 10B का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले स्केचिंग के लिए हम 4B पेंसिल स्केल का यूज करते हुए बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमें सेंटर लाइन लेनी है 15 सेंटीमीटर की। तो जो हमारी बास्केट बनेगी वो हमारी 15 सेंटीमीटर की है। ये हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर यानी कि 7.5 पे मार्क कर लेंगे। इसी से हमें 7.5 से 1 सेंटीमीटर अप और 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर डाउन मार्क कर लेना है। ये देखिए 3 डॉट्स हमें मिल गए हैं। अब लास्ट वाले पॉइंट से हमें 3 सेंटीमीटर और नीचे की तरफ मार्क कर लेंगे। तो हमारे पास 4 डॉट्स हमें मिले हैं। अब ऊपर वाले जो 2 डॉट्स हैं सेंटर लाइन से हम उसको ओवल शेप में ड्रॉ करेंगे बास्केट के लिए। तो बास्केट का जो टॉप है, सबसे पहले हम 1 सेंटीमीटर जो ऊपर नीचे हमने मार्क किया था उससे एक गोलाई बना रहे हैं ताकि हमें टोकरी के ऊपर वाला पार्ट मिल जाए। उसके बाद जो हमारी 15 सेंटीमीटर की लाइन है उससे दोनों तरफ 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मार्क कर लेंगे और जो टोकरी की मोटाई हमें देनी है, जो हमारा टॉप पार्ट है उसको गोलाई देने के लिए वहां तक लाइन को टच करते हुए एक और ओवल शेप हमें ड्रॉ करनी है। ये हमें पीछे वाले पार्ट से पूरी नहीं दिखानी है, आगे वाले पार्ट में ओवल शेप ड्रॉ हो जाएगी। देखिए अब ये जो 15 सेंटीमीटर की लाइन था बिल्कुल उससे नीचे की तरफ हमें जो सेकेंड वाली गोलाई आई है उस पर मार्क कर लिया और सबसे नीचे वाले पॉइंट पर हमने 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ की है अपनी टोकरी की शेप देने के लिए। ये देखिए जो हमने 1 सेंटीमीटर का मार्क किया है सेकंड वाले पोर्शन पे वहां से और इस 6 सेंटीमीटर की जो लाइन ड्रॉ की थी वहां तक हमने एक कर्व लाइन ड्रॉ की और नीचे से हम गोलाई देकर अपनी टोकरी की शेप दे रहे हैं। टोकरी की जो हमारी तली है उसके लिए 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हुए हमने इस तली को भी ड्रॉ कर लिया है। बहुत इजी और जल्दी बनने वाली बास्केट है और देखने में बहुत सुंदर लगती है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मार्जिन लाइंस को इरेज कर लेंगे और अब हम बास्केट के अंदर ड्रॉ करने वाले हैं फ्रूट्स। यहाँ सबसे पहले मैं केले ड्रॉ कर रही हूँ, तो बनाना की ड्राइंग कर रहे हैं। आप अपनी मर्जी के फ्रूट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी प्रोसेस से अपनी फ्रूट बास्केट कंप्लीट करेंगे तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे। और जो भी फ्रूट हम ड्रॉ कर रहे हैं वो हमें पूरा नहीं दिखाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब हमारी एक बास्केट के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स होंगे तो हमें कोई भी फ्रूट पूरा दिखना नहीं चाहिए। गहराई है तो गहराई के अंदर भी तो फ्रूट्स जाएंगे और वैसे भी जब ज़्यादा फ्रूट्स होंगे तो एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे। तो यहाँ हमने बनाना बनाया है, बीच में एप्पल बनाया है, एक मैंगो बनाया है और पीछे की तरफ हमने पाइनएप्पल बनाया है जो कि थोड़ा स्लैंटिंग रखा हुआ है, तिरछा रखा हुआ है, हमने स्ट्रेट इसको नहीं बनाया, थोड़ा सा लेटा हुआ हमने पाइनएप्पल को बनाया है। तो ये देखिए अनानास की ड्राइंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है और इसकी हमने प्रॉपर अच्छे से शेप दे दी है। अब फ्रूट्स के बीच में जो हमारी लाइन दिख रही हैं उनको इरेज कर देंगे, पीछे बास्केट की लाइन इरेज कर देंगे और जो फ्रूट हमें आगे दिखाना है उसको आगे दिखाएंगे, पीछे वाले को हाफ इरेज कर देंगे। स्केचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, शेडिंग हम स्टार्ट करेंगे 8B और 10B पेंसिल से। जो पोर्शन हमें डार्क दिखाना है वहाँ पे डेप्थ थोड़ी ज़्यादा दिखानी है उसको डार्क दिखाएंगे और बाकी पोर्शन को थोड़ा लाइट रखेंगे। तो शेडिंग हम बहुत ध्यान से करेंगे, यहाँ पर मैं 8B और 10B पेंसिल का यूज़ करके शेडिंग करूँगी और फिर कॉटन से उसको हम थोड़ा सा मिक्सअप कर लेंगे। तो शेडिंग करना हमारा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हल्के हल्के हाथ से आप इसको मिक्सिंग कर लीजिए। जहाँ पे हमें लाइट शेड दिखाना है वहाँ पर हमें ज़्यादा शेड नहीं करना, हल्का सा उसे कॉटन से बस मिक्सअप करना है। इस तरह से आप पूरे फ्रूट्स में अच्छे से शेडिंग कर लीजिएगा और कॉटन से मिक्सअप कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड में आने वाला बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फलों की टोकरी प्लेट में फल। तो ये टॉपिक आपको मोस्टली बोर्ड एग्जाम में मिलता है, इसलिए ये वीडियो आप पूरी वॉच कीजिएगा, फुल मार्क्स आपके 100% आ जाएंगे, इजीली आप इसको ड्रॉ भी कर पाएंगे। तो अच्छे से इसको समझने के लिए वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा और इस तरह का यूजफुल कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलता ही रहेगा। तो जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो व्यूअर्स पहली बार मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं,
आपसे रिक्वेस्ट है अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल बटन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा। इससे मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो हमारे फ्रूट्स की शेडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम 10B पेंसिल का यूज करते हुए जो हमारी डार्क लाइंस हैं उनको ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हमारी जो फिनिशिंग दिखाई दे, फ्रूट्स हमारे कंप्लीट लगें और बहुत अट्रैक्टिव हमारी ड्राइंग बने। और देखिए, हमने बनाना बनाया था तो उसमें हल्के हल्के से ब्लैक स्पॉट होते हैं, उसको भी हमें शो करना है। जहाँ पर हमें लगे कि फ्रूट में हमें डेप्थ ज़्यादा दिखानी है वहाँ पर हम डार्क शेडिंग कर लेंगे। दोबारा से जो हमने मिक्सिंग करी थी उसके ऊपर हल्का हल्का सा शेड दीजिए। देखिए, अब हमने एप्पल में हल्का सा शेड दिया है लाइंस में, तो हमारा एप्पल कितना ओरिजिनल लगने लगा है, है ना। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको अगर कंपोजिशन पेंटिंग, आलेखन ड्राइंग, लैंडस्केप ड्राइंग और मेमोरी से रिलेटेड और बाकी वीडियोज़ के लिंक अगर वॉच करने हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ के प्लेलिस्ट मिलेंगे, आप उसमें जाके देखिएगा। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ उसमें आपको मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल हैं। साथ ही आपके 10 मार्क्स के MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो भी आते हैं, उसकी वीडियो भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आपके फुल मार्क्स आना बिल्कुल पक्का है। आप जल्दी से जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए और सारी वीडियोस वॉच कर लीजिए, आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको उसमें ज़रूर मिलेगा। वीडियो का अब तक का प्रोसेस आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप मेंशन कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी। या किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करूंगी। देखिए, इसी के साथ हमने बास्केट में भी शेडिंग कर लिए। दोनों साइड से शेड करते हुए हमने बीच में कॉटन से मिक्सअप कर लिया और अब हम शेडिंग के बाद आउटलाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपनी पूरी बास्केट की फाइनल आउटलाइन कर रहे हैं। एक चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं वो कहीं से भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए और कहीं मोटी पतली नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी पेंसिल एक साथ चले। अब यहाँ पर स्केल से हमने जो बीच वाली लाइन है उतना मार्जिन लेते हुए हम बास्केट की अंदर डिजाइनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक पर्टिकुलर मार्जिन ले लिया है और उसी से हम पूरी बास्केट के अंदर स्लैंटिंग लाइन यानी कि तिरछी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये पार्ट कंप्लीट। सेकेंड, दूसरी साइड से भी हम सेम प्रोसेस से करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बास्केट है उसके अंदर एक चेक बन जाएगा और उसी के साथ हमारी बास्केट का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। कितना सुंदर लग रहा है ना और कितना इजी भी है बनाना। बास्केट के नीचे थोड़ी सी करेंगे शेडिंग। अब बोर्ड एग्जाम में स्पेशली मेंशन भी होता है छाया प्रतिछाया के साथ। तो इसी के साथ हमारी आज की ये फ्रूट बास्केट ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। आपको ये ड्राइंग कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं आप सभी के कमेंट का इंतज़ार करूंगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है, आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल है, तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।